जी अस्सलाम वालेकुम, सहरी का वक्त है और अब आपको जरा प्रिपरेशन की थोड़ी सी झलकियां दिखाने लेकर जा रहा हूँ। ये देखिए तीनों जी, अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी, क्या हाल है? तो जी अब हम सहरी की तैयारी कर रहे हैं। सहरी में हमने बनाया है मटन पुलाव, लेकिन वैसे मेरी बोटी भी नजर नहीं आ रही तो आने आ गई बोटी मटन पुलाव ये बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ में बनाई गई चिकन जलफ्रेजी, चिकन जलफ्रेजी साथ है चिकन नगेट्स। तो अब जी और साथ में पिज्जा मेन्यू वैसे ही रखा हुआ है, किसी ने पिज्जा भी खाना होता है तो चलो देख के खा लेते हैं। खुशबू बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है। खाना गर्म ही नहीं है, खुशबू कितनी आ गई? खाने की खुशबू आती है गर्म खाने की, इतना झूठ ना बोलो। मेरे को गल भी रख लिया करो, तुम्हारी मेहरबानी है। अच्छा चलिए जी, उसके बाद जी ये अब हम लोगों ने चावल बहुत हमें रखा चावल। अच्छा ये चावल है जी और ये है चिकन फ्राइड चिकन है। ये क्या है? ये चिकन जलफ्रेजी, क्योंकि मुझे चिकन जलफ्रेजी पसंद है। तो वो जो आंटी मारी कुक है उनको पता है कि ये जलफ्रेजी शौक ना खाना है, उन्होंने जलफ्रेजी बनाती है अलग। मैं चिकन कढ़ाई बना दिया, ये देखिए आपको जी कमीदा दिखा दी है, फूड दिखा दी है। अब आपको जरा मेहमानों को, तो आपको पता है मेहमान खुसूसी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक है। अस्ताना शाह पे सब मौजूद है इस टाइम, और शाह साहब खुद अपने नापाक नापाक हाथों से खिदमत कर रहे हैं। कुछ भी कह सकते हो, कोई गल नहीं, जिनी तुहाडे नाल होई है इन्ना को मेरा बंदा है। अच्छा अपना साथ ये है जी, अपना चिकन चीज बॉल्स और साथ है चिकन नगेट्स। इंतजार ने थोड़े नालों खा लिया, और ये मिसाइल है। साथ मैंने कहा था जी पराठे बना दे, आज की जो सहरी इकट्ठे करने की बजाय वो ये सरमत भाई हैं, बड़े अच्छे बाप यहाँ आए। पराठे पराठे हैं, नहीं पराठे बाकी है तो सच्ची गल है, लेकिन चलो कुछ फॉर्मेलिटी भी होती है ना शादी। पराठे भी हैं, अब हम आपको लेके जाते हैं किचन में। हाँ तो अब हम इसको खाने को करेंगे गरम। प्लीज हम अपनी अपनी प्लेट चोक लो, हम शाह जी को फॉलो करेंगे जी। हाँ और मेरा पिज्जा भी गर्म कर लें, बस बंद कर दे। फानी भाई जी आज अपनी जो सा है काबिलियतों का हमें जो सा ना दिखाएंगे जरा। बत्ती बाल गई, पहले किसी ने चावल गर्म हो गए, चक्कर हाथ ना तेज गर्म करने हैं, मजा तान नहीं गर्म है इधर आपका दूसरे में। क्या बात है, क्या बात है। अभी थोड़ा सा आपको जो है ना, इसके बाद आज हम लोगों ने जी जैसे आपको पिछले व्लॉग में दिखाया थी, हमने अफतारी भी इकट्ठे की है और बड़ी खूबसूरत महफिल लगी हमारी। और जिस तरह मतलब आज माशाल्लाह जब भी दोस्त हम इकट्ठे होते हैं ना, हमारी अपनी एक एनवायरनमेंट इस तरह का वाइब्स बन जाती है, हमें फील ही नहीं होता कि जो उनसे हम इन्फॉर्मेटिव हमारी मीटिंग होती है, जिसमें हम लोगों ने जनाब शेयर करना था एक दूसरे के साथ कि भी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या वो ठीक है नहीं है। माशाल्लाह ये स्टूडेंट है अकाउंट्स के, अब्दुल्ला भाई साइंस के बहुत बड़े स्टूडेंट हैं। इस बार हम कल शाम 8 बजे से अभी तक साथ हैं, और हमने एक लॉन्ग टाइम स्पेंड किया, और ये हर दफा मतलब हम प्लान करते रहते हैं गेट टुगेदर, जिस हमारी बार्सिलोना में होगी है, नेक्स्ट टाइम आपको नजर आएंगे हम किसी और मुल्क में, और इनके बर्थडे का तो हम जा रहे हैं सारे मयोरका एक जजीरा यहाँ पर, तो इंशाल्लाह हम बर्थडे सेलिब्रेट करने भाई भाई वहाँ पर आ रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के। माशाल्लाह माशाल्लाह सबकी बर्थडे है, 4 को मेरी है, 7 को फरहान की है, और 9 को फरहान की, 7 को वो बाहर बड़े वो वाले बड़े वो मेरा मतलब है, और 10 को हमारे दोस्त हैं उनकी है। यानी खाना गर्म हो गया, दिखाइएगा जरा उधर, बड़ा टाइम लगा तो की साड़ी ना जान अपने को कुछ है। बोली जाग जांदी प्लेटा शलेटा दलिया ने भेज तो कहना ही
गर्मी सर्दी थोड़ी सी होगी डिबेट भी हाँ जी डिबेट चल रही थी और उन डिबेट्स के अंदर जी हमारी काफी गर्मा गर्मी होगी क्योंकि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हम अपने रेफरेंस दे रहे थे ये भाई अपने रेफरेंस दे रहे थे गुड डिबेट लेकिन वो ये डिबेट सब भी हमारा मजाक ही है गर्मा गर्मी में ये होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कोशिश करते हैं हम अपने पॉइंट दें फिर हमारे पास बाबा गूगल भी था तो हम बाबा गूगल के ऊपर भी सर्च कर रहे थे हर चीज को और वो बड़ा मजेदार सा सीन बना मतलब बड़ा अच्छा मजा आया कंपनी का और सर जी एक और जो चीज डिसाइड हुई है कि 12 को सर में वापस आ रहा है और 12 को हमारा प्लान है नहीं 12 को हमारा प्लान है अगर हम लोगों ने खा रहे हैं प्लेन है और हम लोग रात को बारबेक्यू करने जाएंगे नहीं इस बार आप देखेंगे इस समर में क्योंकि कशान इज गोना कम विद अ लॉट ऑफ स्टफ बहुत ज्यादा जितनी इसकी लिस्ट बन चुकी है ना तो मुझे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू सी अ लॉट बड़ी दुनिया आनी है तो मुझे मिलने के लिए भी और बड़े डिफरेंट टाइप की जो है क्योंकि पिछले 5-6 सालों से जिस तरह की लाइफ की यहाँ पर चल रही है तो ये बहुत कुछ दिखा सकता था तो मैं इसको ये कहता हूँ कभी कभी जो इतना कुछ एक्सपीरियंस किया अगर दिखाया होता तो आज तुम कहाँ से कहाँ होते तो अभी इंशाल्लाह इस समर में मुझे काफी दुनिया समर टाइम में मिलने के लिए बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती है तो अल्लाह का शुक्र है थोड़े बहुत मेहमान नवाज भी हैं इस बार जरा थोड़ा डिफरेंस ये है कि शाह सर का को थोड़ा सा अपने बिजनेस भी है स्टार्ट हुआ है जरा उसके वो भी सरप्राइज ही होगा इनके लिए नहीं जी जी बिजनेस माशाल्लाह वो बड़ा टेबल दिखाने फानी भाई ने टेबल लाया पराठे चिकन बिरयानी लेकिन चार बंदे थोड़ा नी कार ड्रिंक मेरा दिल है लस्सी बना ली कोट पिया जी बिस्तरे है साढ़े तकिए पे ने जी पंजाबी नहीं समझ आती थी पराठों का जो पराठों की क्रंची ना साहब देखें जी क्या बात है बड़े नरम नरम ने क्रंची तो है ही नहीं अच्छा जी थोड़ी गल भी रख दिया करो समझा कर चल हां दस के क्रंची है नहीं हूं नहीं नहीं मैं समझ कह रहा था चिकन जो सा है बड़ा क्रंची है हां चिकन क्रंची है देखना बहुत नरम बहुत जूसा बस वो आपको बताया कभी कोई शादी का पंड जाए तो अंदर वाला किसी को नहीं बख्शेगा कोई गल नहीं चलो जी लस्सी बना ली मेरा ख्याल है लस्सी स्टार्ट करते हैं हम लस्सी बनाते हैं फिर आप दिखाते हैं हम लस्सी कैसे बनाते हैं दिमाग की बहुत लस्सी हो गई है बस मेरी लस्सी बना दीजिए हां इस टाइम प्लेंगे ना खजूर वाले उससे बंदा दिन अच्छा मिलेगा उसमें डालेंगे खजूरें तो दही और वैसे शादी आपने अपने व्यूअर्स को भी कभी बताया नहीं कि आप कुछ अदर तबीब आप खुद भी हैं अक्सर आप जी मैं हाँ जी मैं बड़ी अच्छी करता हूँ मैंने कुछ चीजें बना के दिखाई है मजीद मैं इनको बना के दिखाऊंगा मैं तबीब की बात कर रहा हूँ अभी हम अपना तबीब मोहब्बत है
तबीबे मोहब्बत भी है। क्या बात है। कुछ अदर शाह जी अपने पोइट भी हैं, कुछ अदर डॉक्टर भी हैं, हर टास्क करते हैं भाई, बड़े मल्टी टैलेंटेड बंदे, मल्टी टैलेंटेड भाई। इंसान के अंदर मल्टी टैलेंट होना चाहिए, कुकिंग, शायरी, हर चीज, महफिल में जुगते, पंजाबी, उर्दू। नहीं माशाल्लाह शाह जी, कुछ टैलेंट तो आपके ऐसे हैं जो अगर इनको उससे रोशनाइज नहीं करवाया जा सकता। कुछ तो टैलेंट आपके भी शाह साहब ने आपने देखे हैं। बंद करो, गल बहुत अकेले। चले जी, एनी आओ जी, शायरी अल्लाह का शुक्र है बड़ी आती है। तो वो एक शायर मतलब तबीब भी है, एक मेरा शेर नहीं, साहिल की मौजे उड़ा लेती है। अच्छा मेरा शेर, मेरा जाती शेर सुनो जी। शायरी के मुताबिक शेर तो नहीं है लेकिन थोड़ा वो है, आशिम भाई का अपना शेर है, मेरा अपना शेर है। मैं मुकर्रर मुकर्रर इरशाद इरशाद, एक बड़े मुकाम में समझ गए आप तो, मैंने उस वक्त लिखा था, बस हो गए थोड़ी सारी सिचुएशन होगी थी आपकी, हां जी, के दोस्त कुछ बिछड़ गए तो उनके लिए शेर लिखा जी। शेर था जी, जैसे साहिल से छुड़ा लेती हैं मौजे दामन, जैसे साहिल से छुड़ा लेती है मौजे दामन, इतना सादा है तेरा हमसे बिछड़ना। क्या बात है, कशान नहीं है, आग लगा रही है। शेर पे हम लोग, टाइम खत्म होने वाला है और हम सैरी करते हैं। हां 20 मिनट आ गए, चलो जी अपन सैरी का इंतजाम कर लेते हैं, बंद कर सैरी वाली, ठीक हो गया। बैठ चलें जी, सी यू सून। मैंने बहुत क्या सारे शेर करना है, बस मेरे लिखाओ में जल्दी। हां मेरे लिखाओ, ज्यादा मजा आ रहा है फिलहाल तो, मेरे को कोई ना है। यार मैं चावल खा ला, मगर प्यास बड़ी लग रही। चावल नहीं, दो दो चम्मच चावल खाएंगे ना सारे। क्या बात, माशाल्लाह।